दोस्तों, नर्व पेन मतलब नसों में दर्द का अगर समय पर इलाज ना कराया जाए तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। गर्दन, पीठ, हाथ या शरीर के किसी भी हिस्से की नस दबने से होने वाला जो दर्द होता है बहुत ही खतरनाक और पीड़ादायक होता है। इससे आप रोजमर्रा के काम भी नहीं कर सकते, चलने फिरने में भी परेशानी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नसों में दर्द, कमजोरी, नसों में दर्द के जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे, नसों में दर्द के क्या वजह होते हैं और नसों में दर्द और नसों की कमजोरी का इलाज हम घर पर कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो से बने रहिए और अंत तक देखिए। आइए जानते हैं नसों में दर्द के लक्षण के बारे में। नसों में जलन के साथ तेज दर्द होना, नसों को दबाने और छूने से दर्द होता है। शरीर के जिन नसों में दर्द हो रहा है उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और नसों में बार बार अचानक तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे की वजह की बात करें तो प्रदूषण, आजकल का खान पान ठीक नहीं है, नसों पर ज्यादा दबाव पड़ता हो या फिर नशीले पदार्थ ज्यादा लेने की वजह से भी नसें कमजोर हो जाती हैं, जिस वजह से दर्द होता है। नसों में किसी वजह से सूजन आ जाना, डायबिटीज की समस्या जिनको है उनके साथ इस तरह की दिक्कत होती है और नसों का अचानक दब जाना, तो ये भी नसों में दर्द के कारण हो सकते हैं। तो अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में नस दब गया हो, नसों में बहुत दर्द कर रहा हो, पैरों में, गर्दन में, शरीर के किसी भी हिस्से का नर्व पेन कर रहा हो तो इस रेमेडी को जरूर आप फॉलो कीजिएगा। जब आपकी नस में होने वाले दर्द डायग्नोसिस हो जाए तो आपको अपनी देखभाल करना शुरू कर देना चाहिए। आपको उस हिस्से से कोई भी काम नहीं लेना चाहिए। मांसपेशियों, जोड़ों और टेंडन्स के बार बार उपयोग से नस में होने वाले दर्द की स्थिति और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि जहां पर दर्द हो रहा है वो हिस्सा लगातार सूजे रहते हैं, स्वेलिंग बनी रहती है और नस को दबाते रहते हैं। किसी भी दबी हुई नस के दर्द में थोड़ा आराम पाने के लिए सबसे आसान यही तरीका है कि उसे आराम दिया जाए। जब तक सूजन ना चला जाए तब तक आपको आराम करना चाहिए। इसके अलावा आइस और हीट का प्रयोग कर सकते हैं। उस जगह पर या तो स्टोर से खरीदे हुए आइस पैक को रख दें या घर पर बनाए आइस पैक का उपयोग हल्के दबाव के साथ करें। जहां भी दर्द हो वहां पर बर्फ से सिकाई कीजिए। हल्का दबाव देते हुए सिकाई कीजिएगा तो इससे आपको ठंडक मिलेगी और आराम मिलेगा। अपने स्किन और आइस पैक के बीच एक नर्म कपड़ा रख लीजिए जिससे ठंड से स्किन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। पतला सा कपड़ा रखिएगा, उसके ऊपर से आप आइस से सिकाई कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप बर्फ से सिकाई कर रहे हो तो 15 मिनट से ज्यादा सिकाई ना करें, नहीं तो वहां का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीमा हो जाएगा जिससे दर्द देर तक होता रहेगा। इसके अलावा पुदीने का तेल से मालिश कीजिए। आप इसे बाजार से मंगवा लीजिए, ऑनलाइन मंगवा लीजिए और शरीर के जिस भी हिस्से के नसों में दर्द है उस हिस्से की पुदीने के तेल से मालिश कीजिए। पुदीने के तेल की मालिश से नसों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसके अलावा आप सरसों के तेल से भी मालिश कर सकते हैं। सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके उस तेल से नसों की मालिश कीजिए। रोजाना अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से भी नसों में दर्द की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो जिन लोगों के नसों में दर्द रहता है उनको भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक डाइट के बारे में बताता हूँ जिसका प्रयोग आपको रोजाना करना है। नसों में मजबूती के लिए इस डाइट को जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके लिए आपको काले किशमिश, फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज या फिर अखरोट और अंजीर का सेवन लगातार करना शुरू कर दीजिए। काली किशमिश दोस्तों नसों को मजबूती देते हैं। इसके अलावा अलसी या फिर अखरोट दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में ही ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो स्वेलिंग को यानी सूजन को दूर करते हैं और साथ ही नसों को मजबूती भी देते हैं। इन दोनों ही चीजों में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं जिससे आपके पूरे शरीर को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आप अंजीर को डाइट में शामिल कीजिए। अंजीर भी नसों को मजबूती देने का काम करता है। तो इसका तरीका क्या है लेने का मैं आपको बताता हूँ। रात को लगभग 8 से 10 काली किशमिश को भिगो दीजिएगा और साथ में 2 अंजीर भी किशमिश के साथ डाल दीजिएगा। अगर आप अखरोट का सेवन करना चाहते हैं तो किशमिश, अंजीर और अखरोट तीनों को साथ में भिगो दीजिएगा और सुबह इन्हें चबा चबा कर खा लीजिएगा और बचा हुआ जो पानी है उसे भी पी लीजिएगा। अगर आप अलसी का प्रयोग करना चाहते हैं तो अलसी को भूनकर किसी डब्बे में रख लीजिए और रोजाना खाना खाने के बाद 2 चम्मच की मात्रा में अलसी को चबा चबा कर खा लीजिए। अगर आपकी बॉडी का नेचर गर्म है तो यहाँ पर भुने हुए अलसी का पाउडर बना लीजिए और 2 टेबलस्पून पाउडर को 1 कटोरी दही के साथ मिक्स करके खाना खाने के साथ खा लीजिए।
इससे भी नसों में मजबूती मिलेगी और नस दबने की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा नसों के दबने की समस्या को दूर करने के लिए मेथी का प्रयोग किया जाता है। मेथी के प्रयोग करने से नस दबने की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। किसी को साइटिका हो गया हो या फिर नसों में बहुत दर्द हो रहा हो, नसों में स्वेलिंग आ गई हो, है ना, तो उसके लिए मेथी बहुत ही प्रभावकारी है। इसके अलावा एक और औषधि है जिसे बोलते हैं दालचीनी। दालचीनी का प्रयोग करने से दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, नसों को मजबूती मिलती है और नसों में जमा गंदगी को भी ये साफ करता है। तो मेथी और दालचीनी का प्रयोग आप एक साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधा चम्मच मेथी दाना लेना है और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लेना है। दालचीनी के टुकड़े की जगह आप दालचीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चौथाई चम्मच दालचीनी का पाउडर और आधा चम्मच मेथी, दोनों को एक गिलास पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह जब भी उठें पानी को छानकर पी लेना है और बचे हुए मेथी को भी चबा चबा कर खा लेना है। इस तरह से मेथी और दालचीनी लेने से नसों को मजबूती भी मिलेगी, नसें भी आपकी अंदर से साफ हो जाएगी, नसें हेल्दी हो जाएंगी और नसों में दर्द और दबने की समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस शरीर में बढ़े वात को संतुलित करता है। तो मैंने आपको यहाँ पर दो उपाय बताए हैं और कुछ नियम बताए हैं जिसको फॉलो करके आप नस दबने की समस्या, नसों में दर्द और नसों में जो कमजोरी है उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लोगे। दोस्तों, ये रेमेडी जो मैंने आपको बताई है नेचुरल रेमेडी है, इसका किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो बेफिक्र होकर आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही है।